आपको लास्ट टाइम हमने आपको क्रॉस बताया था, स्ट्रेट बताया था, अब हम आपको बताएंगे स्ट्रेट स्क्वायर, जो आपका चारों तरफ ऐसे चलेगा बटन का, बस वही। ठीक है, ये मोस्टली हम सिर्फ हाथ से ही लगाते हैं, ये अगर हमें को इस तरीके से हमें लगाना है तो हम हाथ से ही लगाते हैं, वरना मशीन से हमारे मोस्टली सिर्फ स्ट्रेट ही लगते हैं, जो हमारे मशीन से बटन्स लगते हैं वो मोस्टली स्ट्रेट ही लगते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको बटन लगाएंगे इस पर, ये देखो जैसे हम स्ट्रेट लगाते हैं उसी तरीके से हम ये लगाएंगे, ये देखो ये आपका टू साइड्स हो चुके हैं, ये देखो टू साइड, ये दो साइड हो चुके हैं, अब आपको कौन से ये दो साइड करने होंगे, ये मोस्टली हम किस चीज में करते हैं, सपोज हमारी ब्लू कलर की शर्ट है, उस पर हमने कुछ कंट्रास्ट दे रखा है वाइट कलर से, या फिर कोई भी कंट्रास्ट दिया हुआ है, तो उसमें सपोज ब्लू कलर की शर्ट पे ब्लू कलर का बटन है, तो हम जो कंट्रास्ट हमने दिया है सपोज वाइट कलर, तो हम वाइट कलर के शेड से बटन लगाएंगे, और वो इस तरीके से लगाएंगे, उससे क्या होगा आपकी ये वाली बाउंड्री ब्लू, देन आपका थ्रेड वाइट, देन सेंटर में ब्लू कलर नजर आएगा, तो वो उसमें आपकी टू शेड्स नजर आने लग जाती हैं, तो हम ब्लू कलर के बटन के साथ ब्लू कलर का थ्रेड नहीं लेंगे, उसके साथ उसके कंट्रास्ट वाला थ्रेड लेंगे और वो अलग से दिख कर आएगा। वही सेम प्रोसीजर हम अब इसको 3-4 बार कर देंगे ताकि हमारा बटन स्ट्रांग हो जाए, ये देखो ये देखो इसमें हम ये नॉट लगा देंगे 2 बार, ओके। ये देखो अब हमें इसमें क्या नजर आया कि हमारा स्क्वायर प्रोसीजर से बटन लग गया है, बट सेंटर में हमारे बटन की शेड हमें नजर आ रही है वाइट कलर, ओके।